एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल इस वक्त क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनवाते हैं। शरद पवार साहब ने एक कमेटी का गठन किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने आगे की कार्रवाई के लिए फैसला करना चाहिए। अब वो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में, देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को, मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता हैं, मान्यवर हैं, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पिछले 3 दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है और ये नजारा आपने और पूरे देश ने देखा है और आपके माध्यम से ही लोगों को देखने मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज उस समिति ने यहां पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहां पर आयोजित की और हमने सबने यूनैनिमसली सर्वानुमति ये सर्वसम्मति से एक यहां पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनंती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनंती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कारोबार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कदवार नेता हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं, आपका एक स्टेचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। हमने कोई मर्यादा तो नहीं रखी है ना, हम चाहते हैं और अभी पिछले ही साल पवार साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हमने फिर से हमारी राष्ट्रीय का मतलब बैठक में हमने दिल्ली में उनको चुना हुआ है तो उनका कार्यकाल जब तक है तब तक तो उनको रहना ही है और उसके बाद वो तो पार्टी फैसला करती है। पवार साहब ने खुद जो व्यक्त किया अपना डिसीजन उसको पार्टी मंजूर नहीं करती है और उनको गुजारिश करती है, विनंती करती है कि आपने अपने पद पे कायम रहना।